तो लेटेस्ट एक केस स्टडी होने वाला है, तो ये जेब्रोनिक्स का 61 का मदरबोर्ड है, देख सकते हो। मॉडल तो कहाँ पर है, ढूंढा नहीं, पर मिलता भी नहीं है ढूंढने से। ये यहाँ पर शायद मिलेगा, ये है यहाँ पर है UH61100 कुछ है, 61 का मदरबोर्ड है। तो देखो इस बोर्ड में प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि बोर्ड चल रहा है पर इसका सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, कोर वीडीडी जनरेट नहीं हो रहा है, और बोर्ड कंटिन्यू चल रहा है पर डिस्प्ले नहीं है, नो डिस्प्ले इशू है। तो देखो ऐसा एक प्रॉब्लम मिला है मुझे इस बोर्ड में, तो बहुत रेयर है। और ऐसा प्रॉब्लम आता है अगर आपका बोर्ड में बहुत सारा डस्ट वगैरह है, तो बहुत दिन से चल रहा है, बहुत डस्ट जम चुका है, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिस कंपनी का ही बोर्ड हो। पर ऐसा प्रॉब्लम आता है, पर कौन सा सेक्शन में आता है, डस्ट जहाँ पर ज़्यादा रहता है वो रिलेटेड कुछ इशू आते हैं बोर्ड में। तो पहले देख लो थोड़ा सा कि बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है, और बोर्ड अभी चल रहा है और डिबग कार्ड इसे अगर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिबग कार्ड में ना तो कोई कोड आएगा, ना ही कुछ समझोगे आप, ना मैं कुछ समझूंगा। तो ये पावर दे दिया, बस पीएस ऑन है, इतना ही है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिबग कार्ड से उम्मीद मैं नहीं कर सकता। आप लोग भी मत किया करो। फैन लगा देता हूँ, इससे पता चलेगा बोर्ड चल रहा है। तो देखो बोर्ड ऑन कर दिया, बोर्ड ऑन हो चुका है, बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है। और ये बीजीएमए लगा के एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं, क्योंकि ये देखो बीजीए लगा दिया, मॉनिटर पे है, पर कोई भी डिस्प्ले विस्प्ले नहीं है, ठीक है, कोई डिस्प्ले नहीं है और आएगा भी नहीं, डिस्प्ले डेफिनेटली नहीं आएगा। तो मैंने इधर उधर देखा कुछ ढूंढने के बाद मुझे प्रॉब्लम एक मिला है। प्रॉब्लम कहाँ पर मिला है वो मैं दिखाता हूँ, और इस टाइप के वीडियो कोई प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियो आपको पैसा देके परचेस करना पड़ेगा। जिससे भी आप वीडियो परचेस करोगे कुछ इस तरह का वीडियो ही मिलेगा आपको, ठीक है। और मैक्सिमम जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, वीएरएम सेक्शन, बायोस, या फिर आयो चेंज करना, या फिर लैन आईसी, ये सब वीडियो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो चैनल में रहो और लाइक करते जाओ, पैसा नहीं लगेगा, फ्री है बिल्कुल। मैं भी सीख रहा हूँ, ज़्यादा काम नहीं जानता हूँ, बस नॉलेज को अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करके, और आप भी शेयर करो, नॉलेज को अपडेट करो। तो देखो पहली बात तो ये है इसका पीडब्ल्यू आई सी, इसका इनेबल जो वोल्टेज होता है 1.08 09 कुछ ऐसा वोल्टेज आएगा, 07। तो ये मैंने बहुत ढूंढने के बाद इस बोर्ड में, इस पोर्शन में बहुत डास्ट था, अभी भी देख सकते हो, मैंने पूरा क्लीन नहीं किया इस बोर्ड में, कितना डास्ट है ये देखो, कितना डास्ट है। तो ये मैं थिनर देके क्लीन करने के बाद मुझे ये जो सीपीयू सॉकेट है, सॉकेट के पहला लाइन में एक लाइन दिख रहा है रजिस्टर का और कैपेसिटर का, उसके बाद जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का थर्ड मतलब 1 2 3, ये जो 3 नंबर रजिस्टर है ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, इसका इस साइड में मुझे वोल्टेज मिल रहा है जो 1.08 या फिर 9 कुछ मिल रहा था। मैं देखा, मैंने इसे ट्वीज़र से जब शॉर्ट किया तब मुझे कोर वीडीडी जनरेट होने लगा है और बोर्ड में डिस्प्ले आने लगा है। मैं ऐसे रख दिया क्योंकि वीडियो जो क्रिएट करना है इसलिए। तो ये 3 नंबर जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर मतलब ड्राई सोल्ड हो चुका है या फिर कट चुका है, ठीक है। तो जो भी हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर कुछ अप्लाई कर देता तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता या फिर ना बनता वीडियो। तो देखो रजिस्टर तो मैंने दिखा दिया, अब बोर्ड पे ऑन बोर्ड पे जाते हैं, और इसको थोड़ा सा वोल्टेज भी मैं दिखा देता हूँ, ताकि वोल्टेज अगर दिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो सब्जेक्ट हमारा। और ऐसा केस अगर जेब्रोनिस के साथ 61 के साथ आ जाए तो पहली दफ़ा एक बार आप उस रजिस्टर को चेक कर लो, अगर सेम इशू है तो समझ लो यही से ही प्रॉब्लम आपका हो रहा है, अगर सेम इशू नहीं है तो अदरवाइज और भी इशू हो सकता है, सीपीयू रिलेटेड हो सकता है, बायस रिलेटेड हो सकता है, ब्रिज रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, पर देख लो। तो मैं पास से तो दिखा दिया, अभी मैं पास से दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मल्टीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पर रहने देते हैं, नहीं दिखेगा, तो ऐसे रखते हैं और ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे रखते हैं मल्टीमीटर को।
तो देखो बोर्ड को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, बोर्ड ये लो ऑन कर दिया, बोर्ड डिबग कार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोडिंग तो आएगा नहीं, तो एक मैंने ग्राउंड कर दिया। और ये आप मल्टीमीटर पे फॉलो करो, मैं पास से तो दिखा दिया, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इस साइड में इसका 1.09 वोल्टेज है, इसका इनपुट में है, पर आउटपुट में इसका कोई भी देख सकते हो वोल्टेज नहीं है, 0.01 वोल्टेज है। तो ये रजिस्टर अगर मैं शॉर्ट कर दूँ ट्वीज़र से तो ये बोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, शॉर्ट तो नहीं करूँगा, तो बोर्ड में ऑफ कर रहा हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा हीटअप करके देखूँगा, अगर सॉल्व होता है तो अच्छा, नहीं तो मैं इस रजिस्टर को हटा दूँगा और वहाँ पर एक रजिस्टर लगाऊँगा या फिर बाईपास कर दूँगा, ठीक है। तो और एक बार देख लो अच्छी तरह से कौन सा रजिस्टर है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब में ऐसा वीडियो प्रोवाइड नहीं करते हैं लोग। तो देखो ये है सीपीयू सॉकेट, और मैंने पहले ही बोला ये एक लाइन है, और ये जेब्रोनिक्स का आपका बोर्ड होना चाहिए ये, और 621 का ही अगर हुआ तो ऐसा ही मिलेगा आपको, ये वाला जो रजिस्टर 3 नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर रजिस्टर के इस साइड में वोल्टेज है, इस साइड में नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एसएमडी को ऑन करेंगे और अभी यहाँ पर थोड़ा सा हीटअप करेंगे हम, ठीक है। अगर काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो हीटअप करेंगे विथ पेस्ट के साथ। तो कहाँ गया मेरा, तो पेस्ट के साथ हीटअप करेंगे तो काम बनेगा। अगर रजिस्टर ड्राई सोल्ड है तो ठीक हो जाएगा, अगर रजिस्टर कट चुका है तो मुझे बाईपास करना पड़ेगा या फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो साथ में रहो और देखते जाओ। तो मैंने जब प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कुछ कर देता तो शायद वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। बस ये बहुत हो चुका है, मैंने सिंपली एक बार हीटअप कर रहा हूँ, आप भी करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो प्रॉब्लम तो फाइंड आउट हो चुका है कौन सा कल्पिट है, कौन सा रजिस्टर, तो आप चेंज कर दो या फिर बाईपास कर दो, तो हम भी देखेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो चेंज कर देंगे। तो ये जेब्रोनिक्स का बोर्ड बहुत स्कैप है, तो एक लगा देंगे उठा के अगर नहीं हुआ तो। तो ये देखो बहुत हीट है, तो यही बस छोटा सा प्रॉब्लम है आपको ढूंढना है। और ऐसे ऐसी जगह पे आके बहुत सारा लोग मतलब फेड अप हो जाते हैं कि क्या करूं भाई, बोर्ड को रिटर्न कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, काम करना है तो भाई ध्यान से करना है आपको, प्रॉब्लम को अच्छे से फाइंड आउट करना है। ऐसे टाइप के केसेस में आप बायस करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, अगर पीसीएच को हीट अप कर दोगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कटा है रजिस्टर, अब बायस करके क्या फ़ायदा, बीच पे हीट करके क्या फ़ायदा, सीपीयू चेंज करके क्या फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। तो प्रॉब्लम अगर अच्छी तरह से आपको डायग्नोस्ट करना आता है तो करो, अगर डायग्नोस्ट कर नहीं पा रहे हो तो इधर उधर कुछ छेड़खानी मत किया करो, क्योंकि छेड़खानी करने से क्या होता है, जो दूसरे किसी के पास अगर बोर्ड जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत बुरा हाल कर दिया बोर्ड का। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे, इसका जो है वो पावर देंगे और वोल्टेज को एक बार दिखाऊंगा मैं कि भाई वोल्टेज पहले बना है कि नहीं। अगर वोल्टेज बन जाता है तो भाई डिस्प्ले तो डेफिनेटली आ जाएगा, अगर वोल्टेज, तो एसएमडी को ऑफ कर देता हूँ, अभी शोर कर रहा है बहुत, तो मल्टीमीटर को भी दिखना चाहिए, मल्टीमीटर दिख रहा है अभी, और बोर्ड को ऑन करता हूँ।
क्या हुआ, ऑन हुआ है। एक सेकेंड, बोर्ड तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, क्या हुआ। एक सेकेंड, ये तो ऑन नहीं हो रहा है। ओह सॉरी, SMPS ऑफ था तो ऑन कैसे होगा। इसका जो SMPS है ना, ये बहुत पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि ऑफ था फिर भी PS ऑन जल रहा था, मैंने सोचा ऑन है तो अभी ऑन, फिर भी तो ऑन नहीं हो रहा भाई। एक सेकेंड, साथ रह जाओ, एक बार डिस्चार्ज करेंगे। देखते हैं, हाँ ठीक है, अभी ऑन हुआ है। डिबग कार्ड पे हम बाद में जाएंगे, तो पहले देखेंगे इसका वोल्टेज, ठीक है। तो मल्टीमीटर दिख रहा है, हाँ अभी तो क्लियर दिख रहा है। अभी देखो मल्टीमीटर क्लियर दिख रहा है, तो एक मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, और ग्राउंड नहीं हो रहा है। मैं पहले दिखा देख लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है रजिस्टर 1.09 वोल्ट, और इस साइड में देखते वोल्टेज है कि नहीं। चलो 1.09 सॉल्व हो गया, देखो ये ड्राई सोल्ड हो चुका था, पर चेंज करना नहीं पड़ा अभी। तो पास से दिखा दूँ, क्योंकि एक सेकेंड, ये देखो पास से मैं दिखाता हूँ, और मल्टीमीटर पे भी फॉलो करो और यहाँ पर भी फॉलो करो। ये देखो फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई। तो अभी देखो मल्टीमीटर दिख रहा है, मल्टीमीटर भी दिख रहा है, और एक सेकेंड, ये देखो मल्टीमीटर दिख रहा है। तो मैंने कहा था इस सेकेंड लाइन का थर्ड रजिस्टर, देखो इस साइड में अभी 1.09 वोल्टेज है, और इस साइड में भी 1.09 वोल्टेज अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से इसका डिस्प्ले आ चुका है, और आप अगर डिबग कार्ड पे फॉलो करोगे तो सेम है, ठीक है, पहले जैसा था वैसा ही कुछ है। तो देखो ये देखो, डिबग कार्ड में कोई भी कोड का कुछ पता आता नहीं है, तो एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं आया कि नहीं। और पहले देखो CPU तो हीट हो रहा है, हाँ CPU हीट हो रहा है, डिस्प्ले इसका आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है, ये देखो डिस्प्ले आ चुका है। एक बार रिस्टार्ट करूँगा मैं, तो एक बार रिस्टार्ट, हाँ डिस्प्ले यहाँ पर चला गया है, रिस्टार्ट कर दिया। अभी देखते हैं डिस्प्ले आते हैं कि नहीं। चलो आ गया जेब्रोनिक्स का लोगो, ये आ गया, चलो बाहर से घुस गया है। तो मुझे भी अच्छा लगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थोड़ा सा ड्राई हीट करने से हो गया। तो यो रजिस्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो देखो ये छोटा मोटा केस है, पर आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बोर्ड आपसे रिपेयर नहीं होगा। आपको जानना है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है आप लोगों से। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।